बता रहा था कि अब हमारे पास फिर से चैनल की शुरुआत हो गई है और आज हमारे सामने अविनाश भाई भी आए हुए हैं। तो हेलो अविनाश भाई। हेलो। हेलो। तो जैसे आप देख रहे हैं हमारी 7-8 महीने की मेहनत यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें भी अभी 2-3 बड़े बड़े वाले पैकेट अभी भी मतलब गए हुए हैं, आ जाएंगे जल्दी से। तो आज से जो है मैं इनको भी अनबॉक्स करूँगा और ये मेरी लास्ट अनबॉक्सिंग होगी, ठीक है ना अविनाश भाई? अभी इसके बाद हम लोगों के जो है रिव्यूज चालू होंगे। थोड़ा सा कॉमिक्स इंडस्ट्री को भी शीशा दिखाने की ज़रूरत आ गई है, बताने की ज़रूरत आ गई है कि मतलब आपके प्रोडक्ट्स किस हाथ से प्यारे हैं, कितने नहीं प्यारे हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ, और काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं। मतलब मुझे लगता है कि 8 महीने से ज़्यादा हो गए। तो भाइयों, अब 8 महीने बाद मैं डैन को तो देख के वही फिर से फीलिंग सामने आ गई है। तो लग रहा है कि जो रुका हुआ काम है उसको दोबारा चालू किया जाए। आ गए हैं, उनको कल हम आप लोगों के सामने अनबॉक्स करेंगे। तो मुझे तो लगता है इतना सारा कॉमिक्स आई है कि वो भी साथ में करेगा। अरे ओह माय गॉड। अच्छा ये तो मैं बताना भूल ही गया, ये तो मैं इंट्रोड्यूस करना भूल ही गया। मेरे पीठ पीछे सात्विक ने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ डाली है। सात्विक बताओ तुमने कौन कौन सी कॉमिक्स? क्या कहते हैं अविनाश भाई जो है, ओफो मतलब हमारे सुपर कमांडो ध्रुव भाई। दिस इज फॉर यू, वेलकम बैक गिफ्ट। अरे भाई के लिए थैंक यू ब्रदर, रियली थैंक यू भाई। और ये सबसे पहले तो भाई मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने अविनाश भाई का। और इसके बाद दूसरा है आपने, ये आपका मोस्ट फेवरेट होगा आई थिंक। आई थिंक यू विल लव इट। कोशिश की है मैंने बनाने की जैसे भी, मतलब भैया एक मुझे देखिए, एक तो राहुल भाई की अपनी आर्ट बहुत, अरे वो तो आर्टिस्ट है, वो टॉप क्लास है, उनकी बात ही अलग है। नहीं मतलब अरे सही, हमारा देखो ग्रैंड मास्टर रोबो ये सब मेरे फेवरेट है। 1-2 एंड ये बताइए अविनाश भाई, एक सब जगह इसमें तो आपने स्पार्कल पेन लगाया है ना दोनों? अरे यार रियली थैंक यू, रियली थैंक। चलिए अविनाश भाई आज आप अपने हाथों से चालू करिए खोलना, ये जो है कम से कम 2-3 पैकेट तो खोलिए आप। ये देखिए मैक्सिमम मैं आपको बता दूं, कॉमिक्स अड्डा से आए हुए हैं। और ये कॉमिक्स अड्डा, ये सब मुझे लगता है हिंद कॉमिक्स से आए हुए हैं, है ना? ये कॉमिक्स अड्डा, ये वाला हिंद का है। तो चलिए अविनाश भाई आज आप चालू करिए, सबसे पहले यहाँ से पैकेट। काफी बड़े बड़े पैकेट आए हुए हैं, अविनाश भाई भी सोच रहे होंगे कि कहाँ से क्या करना है।
रहा हूँ कि आज प्रभु ने दर्शन दिए हैं। अच्छा ये सी वाला है सेट, देखिए इसमें सारे सी होंगे, देखिए सम्राट सही, येलो कौन सा है डोगा, अच्छा ये थाम्बा वाला, ओके येलो सेट आया हुआ है, डोगा का ये दप्पा वाला, हाँ हाँ इसके साथ एक यही सिंगल आई थी कि एक और आई थी शायद दप्पा आई थी, लुक छुप जाना, हाँ लुक छुप जाना, ओके ओके, ये एंथनी क्या शायद वो आया था स्टार्टिंग वाला ना, ओरिजिन ओरिजिन सेट है क्या, हाँ एंथनी ओरिजिन ओरिजिन वाला था, गुड, और ये आपका गोल्डन हीरो, गोल्डन हीरो वाओ, ये व्रत वॉरियर वाला नहीं गोल्डन, हाँ हाँ व्रत वॉरियर वाला, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गोल्डन रेसर हो गया, और ये मेरी कॉपी देखिए सिटी विदाउट हीरो फाइनली मुझे मिल गई, मतलब देखिए क्या नवंबर में मैंने आप लोगों को दी थी ना, यानी अविनाश भाई को मैंने दी थी, अविनाश भाई हमें देंगे अभी, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है ना, क्वालिटी जबरदस्त है, सिटी विदाउट हीरो की ना, ओहो ये है क्वालिटी सही में यार, अरे गजब यार, ये तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया था ये तो, मतलब ये डेफिनेटली सही मायनों में सीए था ये, अरे गजब, ये तो किसी ने शेयर भी नहीं किया मुझे लगता है ना, नहीं किया जो शायद, ये तो वाकई बहुत 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 अच्छा है, ये सेम वही वाला उन्होंने कॉन्सेप्ट डाला है ना जो इसमें था, काफ़ी पेजेस दिए गुड, चलो दोस्तों पहला पहला पैक खोल दिया अविनाश भाई ने, दे रहा हूँ कि ऐसी अनबॉक्सिंग आपने कहीं देखी नहीं होगी, इसमें वो सब है जो आपने अभी तक जितने 7-8 महीने में देखा होगा, तो दोबारा दोबारा झेल लीजिए, तो ये पकवाने का कंप्लेन बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, बुलेट प्रूफ पैकिंग क्यों क्यों करी जा रही है, इसमें टी शर्ट है, अरे बाप रे बाप, इसमें भी टी शर्ट है, क्या बात कर रहे हैं, ये क्या साइज है इसमें, लार्ज इसमें क्या साइज है, फाइनली बालचरित भी हाथों में इसको बोलते हैं सीए, नहीं ये क्या बिग साइज है कि कैसा साइज है, एक बार देखते हैं इसे कंपेयर करेंगे, सेम सेम टाइम है ना, पता नहीं ऐसा लग रहा है थोड़ा बड़ा है ना, खुली खुली ऐसे जैसे खुली, नॉवल्टी तो ओहो, ये तो ऐसा लग रहा है राहुल मेथानी ने बनाया ना, राहुल भाई की भी आ रहे हैं क्या, पॉलिजन तो लगेगी जबरदस्त ही डाल दिए, ये सब इन सब चीजों को पता है, मैं वेट करते करते मैं चला गया था शिप पे, क्या खतरनाक सी ये है, अरे गजब, वही 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 कॉन्सेप्ट है ना, इसमें शायद उन्होंने वो निकाले थे क्या कहते हैं फोटो वोटो वगैरह जो सब लोगों के, देखिए कहाँ है कहाँ फोटो में, हाँ ओके, ये देखो मकवाने साहब, मकवाने साहब लोग कोई दिख रहा हो तो कमेंट बताइएगा, हाँ मैनाक, हाँ इन सबको मैंने उसमें देखा हुआ है,
FB पे मैं देखूंगा, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, काफ़ी नहीं जानते हैं। अरे मैं ऋषभ भाई, वाह सही है। ये वाला खोलिए, हिंद कॉमिक्स का है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या आता है। हाँ तो काफ़ी लंबा होने जा रहा है, इसे मैं कोई पार्ट वार्ट में नहीं डालूंगा, मैं पूरा जैसे है एज इट इज़ ही डालूंगा। आप लोग भी, हाँ आप लोग भी मज़े लो, ऐसा फील करो कि मतलब कोई एडिटिंग नहीं कुछ। और यार अगर कॉमिक्स आपके पास नहीं है तो बस मुझे बता दो, मैं भेज देता क्यों अविनाश भाई, ये तो हमारे काफ़ी व्यूअर को पता भी नहीं होगा। दोस्तों हम लोगों ने पिछले बार भी काफ़ी दिवाली में हम लोग का लास्ट गया था गिव अवे, क्यों अविनाश भाई लास्ट गिव अवे हम लोग का दिवाली में गया था, अब धीमे से हम लोग भी फिर से चालू करेंगे कुछ ना कुछ, तो कोई शर्तें नहीं है, कोई कायदे कानून नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये क्या चीज़ आई है, ओह संपूर्ण अग्रज, ओह भाई साहब देखो यार ये बड़ा खतरनाक, इन्होंने इसका वो दिया हुआ क्यों है ना। कोई तो अभी कंपेयर, ओके okay. तो चलिए अभी अविनाश भाई से भी खुलवा, बस खुलवा रहा हूँ मैं। ये भी बिग साइज है क्या, तहलका सर बिग साइज, अरे गजब, ये तो मतलब इतना सारा हंगामा मेरे पीछे हो चुका है, मैं बस लेता गया मुझे पता ही नहीं ये क्या है, क्या है ये भी बिग साइज ही है खतरा, ओके 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 लॉकेट, वाह वाह यार सीरियसली वाह। बस एक लास्ट क्या बोलते हैं, मैं अविनाश भाई को जो है रोक के रखा हूँ मजा आ रही देखने में, हमारा एक पार्टनर और भी है, वो तुम्हें भी बॉक्सिंग करनी है क्या, वो बोलो, नहीं उधर ही जाओ, उधर जाओ बैक सपोर्ट दे रहा है, बैक करो, हाँ इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, तो अविनाश भाई खोलना है अभी जो है, सात्विक की वजह से मैं सारे नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि सात्विक ने भी प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि वो भी अनबॉक्स करेगा, एक्चुअली अभी होता साथ में तो अभी कॉमिक्स वाले और कॉमिक्स अड्डा के थे, अभी तक मैक्सिमम हम लोगों ने हिंद कॉमिक्स के सारे अनबॉक्स कर दिए हैं अविनाश भाई ने, और एक कॉमिक्स अड्डा का भी अनबॉक्स किया है, अब देखते हैं इसमें क्या निकल रहा है। गुड गुड गुड, तो दोस्तों ये है हमारे पास आखिरी सीरीज, एक ज़बरदस्त तूफानी सीरीज आखिरी, प्लस उसका वो सारे नॉवल्टी, ये है आखिरी, ये स्लिप केस वाले सारे RCSG है ना, ये संजय गुप्ता सर, हाँ गुप्ता सर, इसमें बाहर कोई आर्ट नहीं, कोई नहीं हम लोग बना लेंगे, ये इधर एक आर्ट है जो जीता था इसमें हार्ड वर्क, सही है, एक ज़बरदस्त सी हमारे हाथों में लग चुकी है जिस कलर की सी उसी कलर की मेरी टी शर्ट है, हाँ और ये क्या है, सर्पद्वंद सर्पद्वंद, ओह
अनुपम गुप्ता सर जी की पेशकश। हाँ अनुपम सिन्हा, हाँ सॉरी अनुपम गुप्ता, सॉरी भाई। ये मैकेनिकल एरर मेरे से कैसे हो गई अविनाश भाई? हाँ ये मैकेनिकल एरर मेरे से नहीं होनी चाहिए थी। गुप्ता बंधु है सिन्हा जी, ये राजनगर रक्षक है। क्या खतरनाक सी उन्होंने डाली है, एक से एक टॉप क्लास सी। क्वालिटी देखी क्या जबरदस्त लग रही, नहीं क्वालिटी भी अच्छी है। पूरा इसमें शाइन कर रहा है अच्छे से, कवर उनका है। बहुत सही, ये इसका स्लिप केस में है। ओके ये गगन वाला जो गैस पे सेट आए थे स्टार्टिंग वाले, गगन स्टार्टिंग सेट का ये सेकंड था शायद, काट कुल्लू और ये विनाश दूध और रेड स्टार। ओके कौन सी आ रही थी, हरी जल सारी। ओके ओके बाकेलाल दर्शन दो, बाकेलाल और कलयुग, ये भी खतरनाक कॉमिक्स है। अच्छा इसका पेजेस देखिएगा कितने हुए, 64? हाँ नहीं 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 64 से ज़्यादा होंगे, 94 देखा। ये खतरनाक कॉमिक्स थी, मतलब ये सारे ही कॉमिक्स अच्छे हैं इसमें। और दर्शन दो यमराज देखिए ये कितने पेजेस है, हाँ ये देखिए ये 120 है क्या, 121 गुड। मतलब बाकी लाल के यार इतने खतरनाक कॉमिक्स आई हुई हैं। तो देखिए दोस्तों आज हमारे सामने इतनी सारी अनबॉक्सिंग, सॉरी मतलब इतनी अभी हो गई है, मतलब स्टिल पेंडिंग यार। तो अभी थोड़ा सा यहीं पे पॉज मार रहा हूँ, बाद में मैं भी अनबॉक्स करूँगा कुछ, ठीक है अविनाश भाई? और अब अनबॉक्सिंग पे नहीं ज़्यादा आप लोग, क्योंकि ऐसा इसमें हम कुछ अनबॉक्स नहीं कर रहे हैं जो आपने पहले अनबॉक्सिंग कहीं देखी ना हो। हाँ लेकिन ये पूरे वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें वो सब कुछ मिलेगा आपको जो एक होता है ना सपना आता है कि मेरे पास ये सब हो। तो नागपाशा का खजाना यहीं पे है और नागपाशा भी मेरे पास यहीं पे है, देखा ही आपने, ये रहे नागपाशा और ये रहे ग्रैंड मास्टर रोबो और ये रहे हमारे मैं यानी धनंजय। तो चलो दोस्तों फिर अभी मैं इसको थोड़ी देर में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो दोस्तों देखिए मैं आ गया हूँ आपके दोस्त। तो अभी तक आपने देखा अविनाश भाई ने हमारे सामने तीन चार ऑलरेडी जो पैकेट थे उसको किए, अब आ गए हैं सात्विक। अब सात्विक हेलो बोलो, हेलो सबको बोलो। और अच्छा आप लोगों को बताते बहुत खुशी हो रही है कि सात्विक जो है बहुत ही यंग रीडर है कॉमिक्स का, और मेरे कहकर जब मैं यहाँ नहीं था तो सात्विक ने मेरी काफ़ी कॉमिक्स को जो है निपटा दिया। नहीं नहीं एक दिन थे तब मैंने एक कॉमिक को पढ़ा था और मैं प्यारी माँ को तो पढ़ते ही रहता था मैं। प्यारी माँ मतलब जो गार्बेज बिन वाली जो कॉमिक्स है वो इनकी फेवरेट है, और पिंकी वाली भी पढ़ी थी ना, और एक कौन सी नागराज की कौन सी इन्होंने कौन सी पढ़ी थी, 4 वाली है ना? हाँ। तो पुराना तो दोस्तों देखिए चलिए आइए अब बिना किसी बकवास के जो है हम लोग आगे चलते हैं, आगे की अनबॉक्सिंग करते हैं। तब तक मैं ये सब जरा एक तरफ रख दूं। तो बेटा ये तुम सब आ रही है साथी की नाकाम कोशिशों के बावजूद, अब जो है चलो मैं उठा के लेके आता हूँ। बेटा नहीं उठा पाओगे सॉरी बच्चा, अरे पापा आप तो घोपड़ों को टेढ़ा ही नहीं कर रहे हो, टेढ़ा हो गया है। तो दोस्तों देखिए काफी भारी पैक है, अगर आप देखो तो ये 15 किलो। बेटा बेटा नहीं पहले एक एक करके ना, ओके आओ कम वो एक कैंची लेके आओ, सात्विक अनबॉक्स करेगा इसको, ये रही इसको ऐसे करो देखो, हाँ पढ़ो अपने हाथों से करो पापा, हाँ
किया देखो सब, अब इनको अब पापा जल्दी जल्दी करता है, ठीक है बेटा? ओके। इसके तो दो दो सी आई हैं, एक है आपकी नेगेटिव्स देखिए कितनी बढ़िया, और दूसरी आपकी है संपूर्ण काल चक्र। ये नागराज जैसा लग रहा है। हाँ ये नागराज ही है बेटा, कह रहा नागराज जैसा लग रहा है। नागराज का हालत खराब हो गया लगता। नहीं नागराज का हालत नहीं, इसमें देखो ये फुडांगा है, उसको अपने सींग पर टांग रखता है, फुडांगा है, फुडांगा कभी मरता ही नहीं। अरे देखो साथी मेरे पास एक और सेकंड पैक, मैं इसको पढ़ूंगा। हाँ सारी पढ़नी है हम लोगों को, है ना सारी कहानियाँ। हाँ सात्विक भी रीडर है, और सात्विक के पापा ने भी अब कसम खाई है कि सात्विक को कहानियाँ सुनाते रहेंगे, है ना सात्विक? हाँ। दोस्तों आप लोगों से भी यही गुजारिश है, अपने बच्चों को मुंह में नहीं डालना। दिस इज वेरी हार्मफुल, बहुत हार्मफुल है। Love. ये कॉमिक्स अड्डा वालों ने मुझे एक बुक रीडर दिया है इसके साथ, थैंक यू गाइस। एक कार्ड और इसके साथ फिर एक पता नहीं कार्ड आया है, मुझे कार्ड्स पसंद है, जो कि मुझे मिला है टोगा उत्पत्ति के साथ। भाई साहब क्या खतरनाक, क्या मोटी, एकदम बेहतरीन टोगा उत्पत्ति। हाँ इसके साथ सी आई है एक लावा, पता नहीं मैंने लावा से ही क्यों ले ली, दिस इज द माय बिगेस्ट मिस्टेक। एनी हाउ बिल्लू वापस से पढ़ने जा रहा है। हाँ वो बिल्ली, बिल्लू इधर आके बताओ मेरे व्यूअर्स को तुम कौन सी कॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, जल्दी आके इधर आके बताओ, बताओ बिल्लू वाली कॉमिक्स पढ़ने जा रहा। हाँ बताओ बताओ, सबको बताओ दोस्तों मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ। वाली कॉमिक्स दिखा तो दो, कौन सी कॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो ऐसे? अच्छा साथी के पढ़ने जा रहा है अभी, इसके पीछे तो चीटिया। हाँ जाओ जाओ छोड़ो जाके, मुझे बताओ कैसी लग रही है। भाई साहब, ओ भाई साहब गेस करो क्या है। दोस्तों मेरा ओमनीबस ध्रुव की आ गई है, इसके साथ देखिए मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, खतरनाक चीज़ें, गिफ्ट पे गिफ्ट, इतने सारे गिफ्ट, और ओमनीबस देखिए मतलब लग रहा है एकदम कि ये तो अपने पास होना ही होना मांगता है, क्योंकि ध्रुव तो हमारे उन लोगों का फेवरेट है। तो ओमनी बस हमारे पास आ गई है इसमें, मतलब ये काफ़ी एक्सपेंसिव वाली पैकिंग है, ये तो मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अभी भी देखिए इसके अंदर आप और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये देखिए क्या ये क्या है, साइज से तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा क्या है। और मेरी उत्सुकता देख के आप लोगों को समझ आ रहा हो मैं कितनी जल्दी जल्दी इसको निकाल रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ खोल के आपको दिखा सकूँ, क्योंकि जैसा मुझे पता था ये वही चीज़ है। संपूर्ण नागायण, संपूर्ण नागायण मिला है मुझे, बहुत अच्छा पैकिंग है इसके अंदर से, देखिए क्या क्या चीज़ें नागायण की मिल रही हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी जो है दिख रही है अभी तक। ग्रुप भी है इसमें, हाँ पढ़ो मेरे बेटा। वाओ यार वाओ, सीरियसली वाओ, मतलब यार ये तो ऐसी क्वालिटी है, देख कितना बेहतरीन लग रहा है यार। मुझे नंबर भी देखिए कितना सटीक मिला, 21 अगर दिख रहा हो आप लोगों को, एक बहुत ही शुभ संख्या 21 11 ऐसे ही होती है ना, शुभ जहाँ से होती है। चलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, मैं तो पूरी तरीके से खोल दी मांगा यार, कितना बेहतरीन, मतलब यार इससे ज़्यादा बेहतरीन तो नाग पाशा, इतने वो
यार ये देखो यार क्या गजब क्वालिटी है भाई साहब, भाई साहब सच में बहुत गजब क्वालिटी है। नहीं 221 है, हाँ 21 है लेकिन संजय सर ने लिखा हुआ है 221 लेकिन सप्रेम संजय गुप्ता। थैंक यू संजय सर, आपने तो जो है मन मोह लिया मेरे इसको देखे, और वहाँ गई मैम मैं इसी में ही पढ़ूंगा, लास्ट पेज भी देखूंगा। ओ यार ये तो बनता है, अगर आप कॉमिक्स प्रेमी हैं तो इतना पैसा खर्च होना तो बनता है ना। तो दोस्तों इसको मैं पैक करके रख दे रहा हूँ, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। और दूसरा आया है मेरे पास एक और सी प्रेत अंकल, और ये प्रेत अंकल के इसमें पीछे रखा हुआ है, यार इतना खोलने का टाइम नहीं है, मैं खोलूँगा अभी सब, लेकिन ये सब चीज़ें मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा कि क्या क्या मिला है। एंड ये इसका लास्ट है, एक और बिग साइज, आई होप गाइस नाउ यू नो इसके अंदर क्या होने जा रहा है, मतलब इससे ज़्यादा महंगा पार्सल हो जाता है। पढ़िए देखो बेटा ये देख रहे हो पापा क्या होता है, बहुत ज़बरदस्त, अरे पापा की सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स अब तक की मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, मैं शिप पे था तो मैं इन सब चीज़ों के लिए मरा जा रहा था भाई साहब। मुझे लग रहा था कब ये मैं घर जाऊँगा, कब मेरे हाथ में लगेगी, और ये जैसे ही ये सब लॉन्च हुआ था ना मैंने तुरंत ही इनको ऑर्डर कर दिया था, तो बाद में जनता की रोश होती हुई बातों को मैं सुनता था कि अरे इसमें ये नहीं है वो नहीं है कुछ नहीं है यार, फिर भी मेरे पास है ना। अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज, उसकी सारी ये देखो यार ऐसा देखो, ओफो ये तो स्लिप केस के अंदर देखो, ओफो ये आपका एकदम सिल्वर यार, ये देख रहे हो। हाँ बेटा मेरी फेवरेट 23 हाँ बेटा हाँ, इसके अंदर बेटा बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने बिग साइज में देखते हुए देखो यार, यार बड़ा है तो बेटर है, पढ़ने में मज़ा आ रही है इसको, मतलब देखने में मज़ा आ रही है यार, ये तो मैं निपटाऊंगा जल्दी से जल्द, मैं भी निपटाऊंगा यार ये तो मतलब डिज़ाइन ही अलग है, मतलब ऐसा छूने में एक अलग टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। हाँ देखो बेटा ये छू के देखो, अरे तो अंदर में सॉफ्टली है यार, कसम से जो खुशी मुझे अभी हो रही है ना यार इट इज आउट ऑफ वर्ल्ड। लो बेटा थैंक यू एक और पैकेट ये देखो, अभी रुक गया बेटा सात्विक। फ्लैश गॉर्डन और ये देखो खून की प्यासी दौलत, कितनी प्यारी प्यारी कॉमिक्स हैं, बेताल अनुपम सिन्हा जी का आर्ट था, मैट्रिक, और देखो साथी ऊंच नीच का पापड़ा, और कोड नेम अल्फा, ये थैंक यू मिस्टर विनोद प्रमोद जी गोयल जी के वॉल पे मैंने देखा था ये एलईडी वाली, और मेरी सोनू, तो कितनी अच्छी अच्छी कॉमिक्स इसमें निकली है ना बड़ी साइज में दोस्तों। तो इसमें आया है भागो पागल आया ग्रहणो, ये सारी भेड़िया वाली कॉमिक्स हैं, बलि कुठार दो दो हाथ सली डोगा कोबियो भेड़िया, देन भाटकी का जाल, हाँ बेटे जान के लाले, हाँ बेटा बोलो, हाँ जानवर
सब भेड़िया है, कोबियो भेड़िया, मूशक राज फाइटर टोर्ट्स, अब जाके फाइटर टोर्ट्स जाने शुरू हुई है, बेल मुंडा का खजाना लेवल जीरो, जो स्वर्ण नगरी सीरीज है ना, गहरी चाल, हाँ जीरो होता है, सुपर टोर्ट्स, करोड़पति, साथ ही मैं तुम्हें ये सारी कहानियाँ पढ़ूंगा बेटा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगी। कवाड़ नगर, ये सब मेरे बचपन की फेवरेट है, समुद्री लुटेरे और रैप स्टार, मतलब मैं रियली थैंक यू सर कि आप लोगों ने फाइटर टोर्ट्स को ये कॉमिक्स निकाले और भेड़िया के कॉमिक्स निकाले, इतने अच्छे कॉमिक्स, मतलब मैं सच में थैंक यू बेटा। साथ ही उधर उधर रख देना सारी कॉमिक्स, क्या हो गया तुम्हें यार? मैंने पता है 8 महीने वेट किया है इस वीडियो को बनाने के लिए, 8 महीने, 8 महीने बाद बेटा मेरा ये पहला वीडियो आ रहा है। हाँ दोस्तों देखिए, इसमें आया नगीना का जाल, फिर आया नागदन, कौन बनेगा राजा, अच्छा ये राजा सीरीज आपकी आ रही है, बौना भोकाल, भोकाल गायब, युद्ध जीतूंगा मैं, भोकाल नहीं हारेगा, हम होंगे कामयाब, हाँ अल्टर ईगो, हालांकि मेरे पास है फिर भी पता नहीं मैं क्यों लिया, जीनियस बेटा उनको एक ही जगह रखो साथ में, स्पेशल्स, डेड और अलाइव, फास्ट फॉरवर्ड, ए गाइस देखो मेरे मुझे क्या मिला, सुपरमैन, मुझे दो बेटा, कहीं सुपरमैन की में पढ़ते पढ़ते हम लोगों के पास डीसी की तरफ से वो ना आ जाए, शो स्टॉपर, एक्स एंड देन अगेन भेड़िया, हाँ बेटा भेड़िया के बाद मीन, इसका भेड़िया आया, हाँ बेटा ग्रीन गोल्ड, लास्ट बहुत अच्छी कॉमिक्स लग रही है देखने में बेटा, इतनी बचपन की याद आ रही है, भूरा बिल्ला, भूरा बिल्ला तो एल्फांटो, एल्फांटो क्या होता है बेटा, इसमें वो पावर होती है उसके अंदर शायद हाथी की, मैंने पढ़ी हुई है सारी मेरी कॉमिक्स, लेजी एक फिर से हाथ, वुल्फा, भाई साहब इस कॉमिक से बहुत वेट करा जाता है, वुल्फा, वुल्फा ग्रैंडो, ये सब मतलब एक अलग ही लेवल की कॉमिक्स थी, साथ ही प्लीज़ उधर रख देना बेटा, आप बाकी हेल्प करो जल्दी, हो बाकी वी विल मेक अनदर वीडियो यार, पता यार ये अनबॉक्सिंग करते करते आप लोग देखते देखते पागल हो जाओगे, है ना साथ में, और हम बनाते बनाते पागल हो जाएंगे, कहीं यूट्यूब वाले पकड़ के मारे ना हम लोगों को, आप उन्होंने तो अनबॉक्सिंग के नाम पे तबाही मचा दिया। तो दोस्तों माफ करिएगा यार अगर इस टाइप की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, और ये मैं पूरा डालूंगा यार मैं, ताकि इसमें मैं कुछ कटिंग पटिंग नहीं डालने वाला, पापा को पता नहीं कब तक से ये चालू करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि बैटरी की दिक्कत हो रही है भाई साहब, देखिए ये है गोल्ड गोल्ड हार्ट सीरीज, अब एक एक मैं नहीं निकालूंगा इसमें बेटा, बेटा साथ ही मैं कर रहा हूँ ना, इसमें जो है चीख पड़ा डोगा वाली और ये आई लव यू डोगा वाली सीरीज है, एंड देन 786 शेर का बच्चा, ये अच्छी वाली कॉमिक्स है, खतरनाक, हाँ बेटा तिरंगा, 8 घंटे, ये सारी डोगा विशेषांक हैं, कॉल और काल और डोगा, बटलर, टाइम ओवर, काल और काली, अच्छा शक्ति सीरीज भी आ गई मेरे पास, नहीं नहीं सूरज डोगा बंजा,
डोगामार, बॉम्बे डाइंग एंड पासा फेक तमाशा देख। लो साथ देख आओ, इधर से आओ बेटा। बैटरी गर्म हो गई तो बैटरी चेंज करी है अभी। तो हम लोग ये बड़ा वाला पैकेट खोल रहे थे, आधा फट गया था। अब देखिए इसके अंदर से क्या क्या निकलता है। जो भी निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। इसके अंदर से काफ़ी स्टैंडीज निकल रही हैं फाइटर टोर्स की। 1, 2, 3, 4 स्टैंडीज निकल गई हैं। इनको मैं यहीं पर रखता हूँ। और इसमें से जो निकली हैं कॉमिक्स, अंधियारा, बिग साइज, सतयुग, बिग साइज। तो ये हाँ बेटा इधर ही है, अभी दे देता हूँ तुम्हें। इसके बाद जो मेरे पास कॉमिक्स आई है वो है किसने झापड़ मारा ध्रुव को, क्योंकि बहुत कॉमेडी वाली कॉमिक्स है, सुनने में है अबूरा का तिरिस। और ये मैं पढ़ चुका हूँ, इसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, किसी को नहीं। देखिए मेरे पास काफ़ी ये फोटोज और स्टिकर्स वगैरह आए हुए हैं। इसके साथ मुझे कुछ एक और बॉक्स में कुछ मिला हुआ है, इसको भी मैं खोलता हूँ। देखिए खुल रहा है, खुलते 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 इसके अंदर से जो चीज़ बाहर आई है दोस्तों, संपूर्ण अघोरी। फिर से एक और सिल्वर में, एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में, एकदम देखिए संपूर्ण अघोरी हिंदी में, वो भी यार जबरदस्त लग रही है यार। थैंक यू होलिकाओ, संपूर्ण अघोरी आ गई है अपने पास। मतलब आज तो यार ऐसा लग रहा है कि मतलब एक से एक फटे मोहब्बत की है वाली फीलिंग। एक और बिग साइज, मतलब आपको लग रहा होगा यार आज तो बंदे ने खिला दिया, ऐसा नहीं लग रहा है? लग रहा होगा ना साथ में, लग रहा है ना बंदे ने, मजा आ गई। यार मुझे बिग साइज कॉमिक्स में बड़ी मज़ा आती है, पढ़ने में मज़ा आती है, पकड़ने में मज़ा आती है। और ऐसा फील आता था बचपन में तो जैसे कि हम बहुत अमीर हैं। तो दोस्तों ये होता है पागलपन, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि बचपन का पागलपन क्या होता है, इतना पागलपन। अच्छा मेरे पास कोई भी कॉमिक्स, कोई भी सीन डबल डबल नहीं है। आई एम ए जेन्यून कलेक्टर, मेरे पास हर चीज़ का सिंगल वर्जन रहता है। अगर कोई फूल चुप अगर मेरे पास डबल हो जाती है तो उनको मैं फ्री गिव अवे कर देता हूँ। चलिए दोस्तों ये भी बिग साइज़ है, जैसा मुझे लग रहा है ये फाइटर टोट्स वाली ही हैं, मेरी फेवरेट, जिन्होंने हमारा बचपन ऑसम बनाया, वो हंसाया हम लोगों को। तो दोस्तों फाइटर टोट्स, एक फाइटर टोर्स का मुझे लगता है पार्ट टू है, क्योंकि इसमें देखिए मेरे पास आई हैं जो कॉमिक्स, अब फाइटर टोर्स नहीं पार्ट वन ही है, खून चोर, जाली नोट एंड चैम्पियन। यार इसको कहते हैं कॉमिक्स, ये जो साइज है ना ये होता है बचपना। चलो दोस्तों इसी में मेरे पास एक और बड़ा वाला आ गया है, अभी हम खोलेंगे बिना, यही सपना बन जाए कि घर वाले कुछ ना कहें। इसमें देखिए कौन बने, कौन बड़ा जल्लाद, डोगा हमें दो, दौलत है ही ऐसी चीज। पापा। बेटा सावधान डोगा, बेटा उसमें अदरक के पंजे, उसका हिंदुस्तानी तौसी सेट आ गया, तौसी और तौसी, हाँ तौसी और अप्सरा का जाल, तौसी दी ग्रेट, तौसी और समुद्र का देवता, बेटा साथ में तौसी का पुत्र। यार मैं भूल गया, टफी था टनी था ऐसे कुछ नाम था ना, तौसी और अप्सरा की आत्मा, ये तो विशेषांक है, तौसी और धर्म युद्ध। हाँ बेटा ये बोल रहा था तौसी का विवाह, नहीं बेटा नहीं बेटा मैं इसको चार्जिंग में लगाऊंगा, ये तो तौसी वाले थे, फिर बांकेलाल सर्प लोक में, ये तो लोक यात्रा चालू हो गई यहाँ से, बांकेलाल और बुलबुला दैत्य, बांकेलाल वानर लोक में, बांकेलाल और टकारू,
बाकेलाल ततैया लोक में बाकेलाल आदमपुर अंगली बाकेलाल और देवता की मणि बाकेलाल कंकाल लोक में बाकेलाल अशलोक में बाकेलाल प्रेत लोक में बाकेलाल देवलोक में बाकेलाल और नरवक्षी लुटेरा। ये तो बाकेलाल वाले आई है इसमें बहुत खूबसूरत कॉमिक्स या पिट्ठू गरम। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी कुछ नीच का पापड़ा, तो एक और बड़ी साइज आ गई है। मौत का दूत राम रहीम, राम रहीम और अंतरिक्ष मानव, भारत के बेटे राम रहीम, आफत के पुतले राम रहीम, दुश्मनों के दुश्मन डबल एजेंट राम रहीम, तिरंगे की कसम राम रहीम, यम के बेटे राम रहीम, अपने देश के दुश्मन राम रहीम, सारे बिग साइज एंड सुपर साइज एंड ऑफ क्वालिटी। अनदर दैट इज गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड हियर। बनाएंगे बेटा, जल्दी देर तक करता रहो, तुम्हारे लिए मैं जल्दी देता हूँ। हाँ नहीं बेटा, एंड इसमें जो कॉमिक्स आई है काफ़ी सारे, डोगा है ही ऐसी चीज़, निशाने पर डोगा, ये तो दो डोगा वाली हो गई। एंड अरे यार गिर रही है भाई, अंगारा द ग्रेट, इसके साथ एक 20 नंबर का पेज निकला है, शायद गड़बड़ हो गई थी। अंगारा और बलारा की राजकुमारी, जम्मू और दशानंद, जम्मू और टुम्बकटू, जम्मू और दिमाग का लुटेरा, अंगारा और बुलडॉग, ये तो अंगारा और जम्मू की कॉमिक्स थी। इसका एक कटोरा खून, दो कटोरा खून, ये मेरे पास सी ई भी है। इसका भोकाल क्या है, धरणीधर, विश्व रक्षक, लक्ष्य, गुरु दक्षिणा, मृत्युंजय एंड दुर्गमा, गुरुत्वा, लघुगाती और आखेटक एंड रक्तपात, ये हैं हमारे पास भूकाल के कॉमिक्स इसमें। एंड देन शक्ति सीरीज आ गई, मैंने बोला था ना, तो इसमें है हमारे पास परमाणु शक्ति, इसमें शक्ति का एक पोस्टर भी आ रहा है, ध्रुव शक्ति, बाम्बी एंड डोगा शक्ति, ये तो हमारे पास शक्ति सीरीज आ गई, ठीक है। और इसमें मेरा बच्चा है, ये है लास्ट बेटा, ये उधर उधर फेंक देना उधर, इसको भी जल्दी से मैं अनबॉक्स करता हूँ। यार इसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें मुझे सी मिली है और जो सी का नाम है रक्त रक्षक सीरीज, अनदर सी इन हैंड। तो दोस्तों मैं आपको एक मोटा मोटा व्यू दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास कॉमिक्स देखो यहाँ पे रखी हुई, यहाँ पे रखी, ये देखो कॉमिक्स रखी हुई है देखो, और ये देखो कचोड़ा देखो यहाँ पे भाइयों, आप लोग देखो देखो साथ ही शांत रहो, आप लोगों ने इस प्रकार की अनबॉक्सिंग कहीं नहीं देखी होगी, देख लो मतलब देख रहे हो यार, ये मुझे लग रहा है मुझे अभी लगाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा यार, सही में भाई मज़ा आ गई यार, एकदम ख़तरनाक वाली, अब ये लग रहा है पढ़ना है इनको। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट अनबॉक्सिंग वीडियो होगा, अभी भी देखो दो बॉक्स बाकी हैं, इनको भी अभी मैं करूँगा, पहले मैं इनको मैं लगा देता हूँ क्योंकि सब कुछ इतर तितर बितर हो रहा है, ठीक है, फिर मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हाँ जी भाइयों, तो मैं अपने वीडियो के फाइनल टेक की तरफ चल पड़ा हूँ, दो बड़े पैकेट बाकी हैं, तो सोचा है कि इनको भी क्यों ना किसी प्रकार खोल ही लिया जाए। तो हाँ मतलब कि साफ सफाई कर दी, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ सब कुछ, कितना टाइम लग गया करने में,
बाइबल फॉर वॉचमैन और श्री श्री मनीष गुप्ता सर जी की कॉमिक्स आ गई है। ओह माय गॉड यार, ये तो सच में बिग साइज है यार। देखो मैं सोचा तो पता नहीं क्या बिग साइज का, क्या गुप्ता जी का है, संजय गुप्ता सर का है। तो मेरे पास आई है डोगा डाइजेस्ट 19। यार मैं देखूं, इनकी तारीफ तो बहुत सुनी है। यहाँ पीछे सोनिक क्यों बना है बेटा? उसमें बना हुआ है यार, सच में इसके पेजेस एंड इंकिंग क्वालिटी देख के लग रहा है कि मतलब दिस इज ट्रूली वेरी नाइस। तो यार एक एक अच्छे से कलरिंग की गई है, बहुत अच्छी कॉमिक्स है यार। और यार बिग साइज में तो मुझे अच्छा ही लगता है। इसके बाद मेरे पास अमर योद्धा कालदूत, यार ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। इसमें उन्होंने काफ़ी कालदूत है, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नवराज में मिलन यामिनी विश्या परमेश्वर कालसर युगल सृष्टि। वाव। इसके बाद मेरे पास आई है 13 घंटे एंड आई है सरपेग। तो ये तो ये पहला था, लेकिन यार ये मनीष गुप्ता सर का देख के यार मेरी थोड़ी हवाइयाँ उड़ गई हैं। सच कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, और इनके पैसों के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बेटा मैं जब बात कर रहा हूँ ना साथ में, हाँ ओके बेटा यार, मतलब मैं कभी किसी की बुराइयाँ तारीफ उतनी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बिना किसी मतलब होता है ना पक्षपात के आपको हर बात बतानी चाहिए, लेकिन सच में पैसे कम लग रहे हैं आपके, बिग साइज में मिल रहा है, क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त, तो क्या चाहिए आप लोगों को, गो फॉर इट गाइस। एंड अब मेरे पास आई है नाग पर्व। आ गई भाई नाग पर्व, ये तो नाग पंचमी के उपलब्ध पे सबसे अच्छी अभी तक की पेशकश है मेरे पास। और ये नाग पर्व भाई, नाग पर्व बेटा आज ये पड़ा पड़ जाएगी आज, अरे यार नाग पर्व कब आई थी आदि पर्व, अब जाके नाग पर्व यहाँ पे लगी है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है दोस्तों, और आज मैं इनको निपटाऊंगा नाग पर्व को। तो मतलब यार दुनिया की तबाही एक तरफ, अभी मैं मनीष गुप्ता सर की तारीफ कर रहा था, लेकिन अभी नाग पर्व से मैं पागल हो चुका हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मैं मतलब सच में यार ये नरक नाशक वाला डायमेंशन इज़ वेरी गुड। टॉर्चर डोगा, हे राम डोगा, जलिया वाला डोगा, इसके बाद इसमें चार मीनार, एंड देन फिर अंगारा की अंगारा बौने दो देश में, अंगारा और सिंगराज, अंगारा का जन्मदिन हैप्पी बर्थडे अंगारा, अंगारा और हवा का बेटा, इसका बांकीलाल का एक ये, चलो ये हो गई। एंड देन फाइटर मैन दुर्गा कॉमिक्स, जंग करेगा जंगारा, ये हो गई फोर्ड कॉमिक्स, मौत के साए यंग मास्टर, ये आपकी हो गई गोयल कॉमिक्स। ये तो तीन बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास कॉमिक्स आ गई हैं। एंड देन एक फाइटर टोर्स का स्टैंडी यहाँ पे दिख रही है। एंड देन अगेन ये पता नहीं क्या आया है मेरे, ओह हो ये तो एक नोटबुक आई है अंगारा की, मेरी हाँ तुम्हारी आई है? नहीं पापा, देखो पापा मैं इसको ले लूँ। हाँ अंगारा फर्स्ट पार्ट हार्ट बाउंड उसके साथ मिला है मुझे, तो अभी तक ये दो हार्ट बाउंड मेरे पास आ चुके हैं, 1 और 2। नाउ आई एम लुकिंग फॉर डाइजेस्ट। चलिए देखिए, अभी पाली जी से रिक्वेस्ट है कि वो जितनी भी बड़ी साइज में कॉमिक्स आती हैं उनको बड़ी साइज में ही हमेशा प्रकाशित करें, किसी दूसरों के लिए छोटा साइज ना करें, वरना लोगों को तो PDF भी चाहिए तो वो तो आप दे नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी रखिए, बड़ा है तो बेटर है, देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए अब मेरे पास आ गई है आधिपत, वन मोर बिग साइज, जालिम मांझा वन मोर बिग साइज, ऑपरेशन डीके वॉल्यूम 3 फाइनली, एंड मनीष गुप्ता जी की दुर्दम्भ सेना, ये तो इनकी बिग साइज, एंड इनकॉग्निटो कयामत की रात। मैंने शायद ये देखिए इसके साथ इनकॉग्निटो का एक पोस्टर भी मिला हुआ है,
अरे यार हाथों में मेरे अपनी चीज़ें आ गई हैं, इट्स अ वंडरफुल इनकॉग्निटो। तो जो है मतलब आप देख ही रहो क्या सही लेवल पे इन्होंने कॉमिक्स की। मैंने पहला पार्ट भी मुझे तो बहुत पसंद आया था। तो दोस्तों यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं जैसा आपने देखा, एंड स्टिल इट इज़ नेवर एंडिंग। ये पता नहीं क्या इसमें कुछ क्यूट स्टैंडी होगा जैसे थर्माकोल रहता है, तो मैं समझ जाता हूँ क्योंकि वो मैंने नाक पर्व है ना, ऑफकोर्स नाक पर्व वाली क्यूट स्टैंडी आ गई है। यही थी, मैंने दिया। फिर से कुछ बिग साइज शैतान सिंह वन मोर होली काउ। गाइस शैतान सिंह, वाओ यार डीलक्स एडिशन। वन ऑफ द फाइनेस्ट सीई एवर एंड सी द बिग साइज, वाओ यार। तो दोस्तों ये तो ही हमारे अभी इस वाला था। अब आई एम गोइंग टू जस्ट अनबॉक्स माय वेरी लास्ट पैकेट टुडे, होली एंड ये शैतान सिंह। ये बहुत अच्छी है, और ये मेरा लास्ट। और अभी भी मेरे दो तीन बड़े बड़े बाकी हैं कॉमिक्स अड्डा के पास एंड प्रेम राठौड़ जी के पास। इतने अच्छे से पैकिंग करते हैं कॉमिक्स अड्डा वाले भैया लोग, सच में यार मतलब यार एकदम सेफ। सोचो 7-8 महीने मेरे पास पैकिंग में रही है यहाँ पे, उसके बाद एवन क्वालिटी में चीज़ें निकल रही हैं, ना कुछ तोड़ रहा है ना मुड़ रहा है। पता नहीं लोग बोलते हैं कि मेरा ये टूट गया वो टूट गया, बाइंडिंग खुल गई, यार कैसे। तो दोस्तों इसमें देखिए भोपाल सीरीज आ गई है एक, तो फिर डोगा की 786, इसका परमाणु की ये जो आई थी ना विशेषांग वाली, ये वाली पूरी सीरीज आ गई है। मैन भोपाल की अत्याचारी वाली सीरीज आ गई है, तो इसमें ये था। आई एम नॉट गोइंग टू ओपन ऑल द कॉमिक्स इन सिंगल सिंगल डिटेल्स। अनदर बिग साइज साथियों, हम लोग को बिग साइज अच्छा लगता है ना। यार बिग साइज वाकई में लोगों को समझना चाहिए यार कि अगर कुछ है तो बिग साइज में ही है, वरना नहीं है। एंड फाइनली मेरे पास शक्ति रूपा आ गई है। मैंने इसका सीई नहीं लिया दोस्तों, क्योंकि सुनने में आया था कि वो भी उन्होंने ब्लैक एंड वाइट और बकवास टाइप से किया है, और वाकई में देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ तक इसमें कलर है तब तक तो बहुत अच्छी लग रही है, और जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट चालू हुआ है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मतलब ज़बरदस्ती खींच दिया है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। और मैं किसी एक हैंडमेड पेंटिंग के लिए मैं एक पूरी सीई नहीं ले सकता, आई एम रियली सॉरी। इसको यथार्थ रूप नहीं, इसको आप प्रॉपर अमेजन फ्रेंड ऑफ नागराज टाइप से निकालिए, मैं लूँगा लेकिन प्रॉपर कलर। एंड देन इसमें है आपके पास मैंड्रेक शक्ति वाला सजिस्त्री है, फ्लैश गॉर्डन, बेताल, ठीक है। और अब आइए क्रूक बॉन्ड की कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और कब्रिस्तान के भूत, कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, क्रूक बॉन्ड का इंतकाम, क्रूक बॉन्ड और मिस्टर मौत, क्रूक बॉन्ड का नया हंगामा। Thank you.
मैडम कोल्ड, इसका टक्कर 2-in-1, खरोच 2-in-1 संजय गुप्ता की, मर गया अशुराज। ओके अशुराज सीरीज आ गया भाई, ये तो मर गया अशुराज, ये एक बहुत ही खतरनाक कॉमिक्स है, मर गया अशुराज, इसमें ग्रुप भी था। एंड बाकीलाल का वो है, स्वयंवर सीरीज है, स्वयंवर बाकीलाल, छत्रपति बाकीलाल, बाकीलाल और कबाड़ा, शैतान का जादू, दुष्टयंती। और इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग आज तक किसी ने नहीं की होगी, सारे अनबॉक्सिंग के रिकॉर्ड मैंने ही तोड़े हैं आज तक। हाँ और इसके बाद यार मुझे लगता है मैं किसी न्यूज़ चैनल को अपना इंटरव्यू दे देता हूँ कि कितनी कॉमिक्स किसी के पास होंगी भी नहीं होंगी, मुझसे ज़्यादा होंगी, लेकिन दे आर डीलर्स, दे आर नॉट कलेक्टर्स। तिरछी टोपी परमाणु, हरगत बाबू, आतिश बार, बाबू का खिलाड़ी, लिमपट बाबू, ऑटोमेटिक, चट्टान, इतिहास, कैमिको। तो ये तो है परमाणु वाली कॉमिक्स। देन अशुराज की आ गई है, तिलिस्म का खिलाड़ी, फिर आया अशुराज, अश्वमणि एंड अशुराज, प्रलयंकारी अशुराज, करू का खजाना, तो अशुराज की हो गई। एंड देन भोकाल की शुतान, भोकाल, तिलिस्म टूट गया, देन भोकाल और पूचांग, अति क्रूर, भोकाल तिलिस्म में, खौफनाक खेल और तिलिस्म ओलंपिक। तो दोस्तों इसमें तो बिजनेस तो नहीं निकला, लेकिन चलिए फाइनली मेरे पास सब कुछ हो गया। अभी मैं लगाता हूँ तो फिर मैं आपके पास दोबारा वापस आता हूँ, तब तक बने रहिए। हाँ तो गाइज आप लोगों ने देखा आज इतनी सारी हो गई हमारे पास। अभी देखो अब जाकर के मेरा रूम खाली हुआ है, फिर भी अभी कुछ सामान बाकी है, आप देख सकते हो कपड़ा सारा तरफ फैला हुआ है। ये देखो सारे कचरों को मैंने पैकअप कर दिया है, अभी भी कुछ कॉमिक्स बची हुई है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कॉमिक्स किधर किधर आई। आओ जाओ साथ ही, इधर आ जाओ। तो देखो ये इस टाइप से इतने तो बिग साइज हैं, आपके आठ महीने में लॉन्च हुए हैं, बड़ा वो सब सारे सी ही हैं। सी ही का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो यू कैन सी ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे पास ना हो। ये बिग साइज कॉमिक साइन थी, अच्छा यहाँ पे देखिए बिग साइज कॉमिक साइन थी, जिसमें आपकी मनीष गुप्ता वाली भी रखी है, मेरी सोनी सब रखा हुआ है, किसी ने हमारा ग्रुप को अबूरा का कलेश इनका दिन को ये सब यहाँ पे रखे हैं, मैंडेट वाले दोस्त हैं। हाँ देखो 13 घंटे सब मतलब इतनी ही कॉमिक आपके इन 8 महीनों में लॉन्च हुई है, इससे ज़्यादा लॉन्च नहीं हुई है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मैंने सब लगा दिया यार। अब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि जो आई हो मैंने ना लिया हो। हाँ हो सकता है वो सब मैंने ना लिया हो जो मेरे पास ऑलरेडी होंगी। साथी को देखो तो पता भी है GoPro। हाँ तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप इसको देखने के बाद आप लोग अनबॉक्सिंग काफ़ी टाइम तक देख नहीं पाओगे क्योंकि सुनामी ला दी है और हो गया ख़त्म। यो थारा भाई बलवंत, ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा, क्या बोलता था जोगिंदर है। एनी हाउ तो दोस्तों अब मेरे चैनल पे या तो गिव अवे होंगे और गिव अवे वही होंगे जो मेरे पास दो दो कॉपीज़ होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू ऑल लाइक सम लग्जरी पैक्स, डिपेंड्स अपॉन मी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, दोस्त बनिए, आपको कॉमिक्स पढ़ने के लिए चाहिए मुझे बताइए, ऑल फ्री, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमिक्स आई हो और मेरे पास ना हो, सब है, एक एक कॉमिक्स है, मतलब एक एक कॉमिक्स है। सात्विक जस्ट लेट मी टॉक फर्स्ट। और दोस्तों बाद बाकी एज यू नो दैट आई कैन नॉट फुलफिल ऑल द विशेज, मतलब
होता है ना कि मतलब यार एक अलादीन का चिराग नहीं मेरे हाथ में है। एनी हाउ मैं लखनऊ में रहता हूँ, एज यू ऑल नो घर है, सारी डिटेल्स है, फ़ोन नंबर सब कुछ है, आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, आइए, आप लोगों का स्वागत है। और अब इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज़ होंगे, कहानियाँ होंगी, और कहानियाँ हमेशा आगे जो है शेयर होती रहेंगी, कहानियाँ हमेशा आगे जो है शेयर होती रहेंगी, और उनके जो है प्रोज एंड कॉन्स हम लोग हमेशा बात करेंगे, कॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे उनके रेट के बारे में, हम लोग बात करेंगे कॉमिक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, हम लोग बात अब वो हर वो बात करेंगे जो अब अभी तक सभी लोग करते आए हैं। बात बाकी सभी ग्रुप को मेरा सलाम, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप बन गए इस बीच में, एक तो वो आता है ना वो कमेंट्स ऑफ द वीक या फिर ऐसे कुछ कंट्रोवर्सीज ऑफ द वीक COT, मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग जिस प्रकार से पैर टांगे खींचते हैं, वैन कसते हैं, तो यार कीप इट अप। और बाद बाकी मैंने बहुत सारे देखे हैं लोगों का, आजकल सॉन्ग्स भी बना रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं, एंड डोगा वाला देखा, चाहे आप संजय सर की लें, और चाहे आप ये होली काओ की कॉमिक्स रीड करें, चाहे आप ये क्या नाम प्रतिलिपि पढ़ें, डॉन पढ़े पढ़ें यार, मतलब मेन इशू यही है, कॉमिक्स पढ़ो उसके बाद में आओ, ये मुझे मत दिखाओ कि दिस इज़ माई कलेक्शन, दिस इज़ माई दिस, भाई कलेक्शन मैंने सबके देख लिए हैं, मुझे सबकी ग्राउंड रियलिटी पता है, कौन कितना बड़ा कलेक्टर है यहाँ पे कॉमिक्स इंडस्ट्री में, कौन कितना बड़ा, मतलब होता है ना कि एक से एक दो दो रुपए तीन तीन रुपए वाली कॉमिक्स दिखा रहे हो यार, पढ़ के भी दिखा दो कभी। अच्छा मैं ये बोला था कि आप लोग बताइएगा अपना ये टोटल आज मैंने जितना अनबॉक्स किया है इसका क्या कॉस्ट है लमसम, और कितनी कॉमिक्स मैंने आज अनबॉक्स की हैं। सही जवाब देने वालों को कुछ ना कुछ हमारी तरफ से जो है सरप्राइज गिफ्ट्स होंगे हर बार की तरह। तो दोस्तों रिप्लाई करिएगा और बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप लोगों को ग्लिच लगा, कहाँ कहाँ आप लोगों को सही लगा, या कौन सा पार्ट कैसा है, या फिर मुझे कैसे अनबॉक्स करना चाहिए, क्या क्या बताना चाहिए। मैंने बहुत सारी कॉमिक्स आप लोग पता है ज़्यादा टाइम की वजह से ज़्यादा मतलब होता है ना खुल के नहीं बता पाया। एनी हाउ कीप सपोर्टिंग है, कीप सपोर्टिंग, बस आप लोगों की तरफ से ही है, बचपना अच्छा था और बचपने के लिए ये सब है सब ठीक है। चलिए भाइयों, हैप्पी नाग पंचमी, बाय बाय।